नागरिकता के मुद्दे से। 28 मई को केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे विदेशी नागरिकों से भारतीय नागरिकता लेने के लिए आवेदन मांगे थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए विदेशी नागरिक आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते वो मुस्लिम ना हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 2009 में बने नियमों के तहत निकाला है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने कानून के तहत जिस तरह का आदेश निकाला गया है वो 2019 में आए नागरिकता संशोधन कानून से हूबहू मेल खाता है। CAA के तहत फिलहाल नियम नहीं बनाए गए हैं, तो सरकार ने पुराने कानून से ही CAA वाला काम ले लिया और इसी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। अब ये देखना है कि कोर्ट इस आदेश को कैसे देखती है। अगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए CAA के नियम बनाने पड़ेंगे और तब ये खतरा होगा कि जो जिन्न बड़ी मुश्किल से बोतल में दोबारा बंद हुआ वो बाहर आ जाए।